अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गारस किचन। आज मैं चिकन चीज़ कीमा पेटीज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मज़ेदार बनती है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए मैं एक आपको कट करके बताती हूँ, देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी बनता है ये, और अंदर से मैंने चीज़ डाला है। बिना चीज़ के भी बना सकते हो, एकदम गर्म है ये, देखिए इसकी फीलिंग। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाला है, तेल अच्छे से गर्म हो गया। तो इसमें हम एक बड़ा साइज का प्याज लेंगे और इसको ऑमलेट कट मैंने कट किया है ये इसमें डाल देंगे। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉफ्ट होने देंगे, फिर बाद में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर नमक भी डाल देते हैं ताकि प्याज हमारा जल्दी से फ्राई हो जाएगा। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब प्याज का कलर चेंज होने देंगे। प्याज का हमारे कलर चेंज हो गया, तब हम इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। इसको प्याज के साथ हम भून कर देंगे। अब इसमें हम लोग ड्राई मसाले डालेंगे। पहले 1 मिनट हम लोग अदरक लहसुन को अच्छे से भून कर लेते हैं कच्चापन जाने तक। ये हो गया तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के धनिया जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 काली मिर्च पाउडर है। 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम ही लिया मैंने। सारे मसाले इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला ताकि मसाले हमारे जले नहीं। थोड़ा और डालेंगे, तकरीबन 1/2 कप मैंने इसमें पानी डाला है। इसको अच्छे से भून कर लेंगे, फिर इसमें हम कीमा ऐड करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन का कीमा, लिया है मैंने 250 ग्राम, 1/2 किलो इसमें ऐड करेंगे। अभी हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको अभी मिक्स होने के बाद, अच्छे से मिक्स हो गया, कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक करके लेंगे। ये ऐसे ही पक जाता है, अभी पानी इसका छूटेगा। देखिए अच्छे से मैंने इसको भून कर लिया है। अब इसमें हम लोग 1/2 लीम्बू का रस डालेंगे और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि कीमा अच्छे से पक जाए। चिकन कीमा है तो फौरन गलता है। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी डाला है। अब इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे हम लोग अच्छे से इसको पका कर लेंगे। ये देखिए चिकन ये कीमा हमारा पक चुका है। अभी पानी इसका ड्राई करके लेना है। तो इसमें हम लोग हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। मैंने एक मुट्ठी भर के डाला है, इससे अच्छा इसका टेस्ट आता है पुदीने का और धनिया का। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एकदम से सूखा करके लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ड्राई करके लिया है। थोड़ा सा इसमें अभी ये चटक रहा है, ये पूरा पानी का अच्छे से सूखा कर लेना है, पानी नहीं रहना चाहिए। ये कि मैं इसकी पेटीज की फीलिंग है, इसके लिए इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है, तो पूरा हमको ड्राई करके देना है और इसको फिर ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे। चलिए गैस को बंद करते हैं और इसको ठंडा करने रखते हैं, फिर आगे की तैयारी करेंगे। देखिए फीलिंग हमारी अच्छी से ठंडी हो गई है, तो अब इसके अंदर हम लोग चीज़ डालेंगे। ये मैंने 1 कप चीज़ लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो, बिना चीज़ के भी बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है और बच्चे लोग शौक से खाते हैं। फिर
चीज़ वाला कोई भी आइटम रहेगा तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई कीमा पेटीज की, एकदम मज़े के बनते हैं कीमा पेटीज। और ये देखिए मैंने ये आधा किलो आलू को बॉईल करके लिया है छिलका उतार के, अब इसको हम लोग मैश करके लेंगे अच्छे से। तो देखिए इस तरह से मैंने एक खिचड़ी ली है, इस पर हम लोग आलू को ग्रेट करेंगे ताकि कोई भी इसमें लम्स वगैरह नहीं रहे, इसमें गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, तो हमारे पेटीज एकदम परफेक्ट बनेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से खींच कर लेंगे, मैशर आप मैशर से भी मैश कर सकते हो अच्छे से, लेकिन इसमें कोई भी लम्स और गुठली नहीं रहते हैं, तो इसके लिए आप खिचड़ी से भी करो। मैं सारे इसी तरह से ग्रेट करके तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने आलू को अच्छे से ग्रेट करके लिया है, तो अभी इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, और डालेंगे जीरा खजीरा हाफ टी स्पून के करीब। अब इसको अच्छे से एक बार मिक्स करके लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से एकदम नरम हो गया, ये नमक जीरा का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। चलिए अच्छे से मिक्स हो गए, हमारी फिलिंग तैयार हो गई, इसके ऊपर का कोटिंग कर ये तैयार हो गया आलू, तब हम बनाना शुरू करेंगे। चलिए बनाना शुरू करेंगे, तो हाथ को थोड़ा सा तेल लगा कर लेंगे इस तरह से, और इस तरह का पोर्शन आलू का लेंगे, और इसको हथेली भी इस तरह हम लोग फैला देंगे। ये देखिए आराम से हो जाता है। अब इसमें ये हमारी फिलिंग जो तैयार करके रखे हैं, इसमें डालेंगे। आप जितनी चाहे अपने हिसाब से डालो। अब इसको हम लोग इस तरह से कवर करेंगे, देखें आसानी से हो जाता है ये। अब थोड़ा सा इसको हाथ से हम लोग दबा देंगे। कहीं से भी अगर खुला लग रहा है आपको, तो इस तरह से आलू लेकर आप इस तरह इसके ऊपर लगा सकते हो। वैसे भी इसको कोटिंग करना है तो ये बाहर निकलेगा नहीं। ये देखिए आराम से हमारा तैयार हो गया आसानी से, ऐसे हम सारे बना के रेडी करेंगे। देखिए सारे मैंने पेटीज इस तरह से बना कर रेडी किए, और उसको आप कोटिंग करेंगे अंडा और ब्रेड क्रम्ब। मैंने एक अंडे को फेट कर लिया है, अरे ब्रेड क्रम्ब है, आप सिर्फ इसको ज़्यादातर अंडे में डिप करके फ्राई करते हैं, सिर्फ अंडा लगा कर भी आप फ्राई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं ब्रेड क्रम्ब इस तरह से आप डुबा कर फ्राई करो, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है इस तरह से क्रिस्पी बनता है। तो ये देखिए बटाटे बिल्कुल भी, आलू हमारे चिपचिपी नहीं हुए, अच्छे से बन गए, ये रेडी है। इसी तरीके से हम लोग सारे हम लोग कोट करके लेंगे। एकदम आसान आसान रेसिपी मैं बता रही हूँ आपको रमज़ान के लिए। अब रमज़ान ख़त्म ही होने आ रहे हैं, कुछ ही रोज़े बचे हैं, तो आप लोग देखो वीडियो मेरे सारे और बनाओ रेसिपी। तो चलिए इस तरह से मैं सारे बनाकर रेडी करूँगी। ये देखिए सारे कटेज मेरे कीमा पेटीज बनके इस तरह से मैंने तैयार किए, इसको आप फ्रीज भी कर सकते हो, और तेल मैंने गर्म होने रखा है। चलिए इसको फ्राई करेंगे, तो इसको डीप फ्राई करते हैं, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे। और वैसे सब कुछ पका हुआ है, तो ज़्यादा कुछ उसको फ्राई नहीं करना है, पकाना नहीं है। अब इसको हम लोग गैस को थोड़ा सा मैंने हाई कर दिया है, अब अच्छे से इसको फ्राई होने देंगे गोल्डन कलर आने तक, तब तक इसको हिलाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। दो मिनट के बाद इसको पलटी करेंगे। दो तीन मिनट हो गए, अब इसको हम लोग टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से कलर आने देंगे इसको गोल्डन।
अब 2-3 मिनट दूसरे तब से भी इसको सीखने देते हैं। देखिए इसका कलर ऐसे चेंज हो गया, गोल्डन होने से शुरू हो गए। देखिए थोड़ा सा और इसको करेंगे, आपने देखो बिल्कुल भी खुले नहीं है, टूटे नहीं है, फटे नहीं बिल्कुल भी, इस तरह से एकदम मज़ेदार बनते हैं। और अब ब्रेड की कोटिंग करेंगे तो एकदम क्रिस्पी लगते ऊपर से, तो मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखना। ये देखिए अब इसको निकालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे चिकन चीज़ कीमा पेटीज बनके तैयार है, एकदम ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम चीज़ी मज़ेदार लगते हैं। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना, मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।